एवरीवन, वेलकम अगेन माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना दाल कचौरी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी एंड स्पाइसी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर लें मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आइए स्टार्ट करें इसको बनाना। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चने की दाल ली है, इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा है, उसके बाद दो बार पानी में वॉश कर लिया है। एक लहसुन, जिसे हमें छीलना नहीं है, इस तरह से अलग कर लेना है। और हम अपनी दाल को बॉईल करेंगे, लहसुन इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो कप पानी इसमें डाल देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसे हम बॉईल करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसे हमने एक थाली में निकाल लिया है। अब एक एक करके इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, चार हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार आप इसमें ऐड करें, अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गेहूं के आटे का डो बनाएंगे। जैसे नॉर्मली हम रोटी के लिए डो बनाते हैं गेहूं के आटे का, वैसे ये देखिए मैंने 500 ग्राम आटे का डो बना के रख लिया है गेहूं के आटे का। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे इक्वली। और इसे थोड़ा सा बेल लेंगे बेलन से। ये देख सकते हैं आप, हमें इसे ज्यादा बड़ा नहीं करना है। इसके बाद इसमें हम इसका मिक्सचर भरेंगे। मिक्सचर भी हमें ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो हमारी कचौरियाँ फूटने लगेंगी। आप चाहें तो इसे बेलन से थोड़ा सा बेल सकते हैं, नहीं तो आप हाथों से भी इस तरह से प्रेस करके इसे थोड़ा सा शेप दे सकते हैं, जितने बड़े भी आपको इसे रखना है। इसी तरह से हम बाकी की कचौरी भी बना लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमें इन्हें मीडियम आंच पे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखिए हमारी कचौरी फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा गार्निश कर देंगे हरी धनिया और हरी मिर्च के साथ।
बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बनकर रेडी हुई है ये। आप ज़रूर इसे एक बार अपने घर पे ट्राई करें। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है ये। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।